हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं वन लाइनर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री और जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा, इतिहासकारों ने दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा है? किसको कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और हमारा सेकंड है, किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी है? औरंगजेब को। किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी है? औरंगजेब। और थर्ड है, निम्न में से कौन लोधी वंश का आखिरी शासक था? लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। फोर्थ है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था ये वर्ड? जवाहरलाल नेहरू के थे। फिफ्थ, शिवाजी के अष्ट प्रधान का सदस्य कौन था जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था? कौन था ये? सुमंत, याद रखिएगा सुमंत। इनमें से कौन उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो कि भारत की राजधानी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। सेवंथ है, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? उसमें सिक्स। एट, इनमें से किस महान व्यक्ति को भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी। नाइन्थ है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद। टेंथ, इनमें से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इलेवंथ हो जाएगा, इनमें से किसने मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं? किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। 12th हो जाएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक वर्ष 1932 में कौन थे? ये महात्मा गांधी। 30, वर्ष 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा। 14, निम्न में से किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। 15, निम्न में से किसे इनाम भूमि दिया जाता था? किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। 16, शिवाजी के प्रशासन में इनमें से किसे पेशवा कहा जाता था? किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। 17, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। 18 हो जाएगा, किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? यह सिकंदर अलेक्जेंडर। 19, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? 20, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 320 ईस्वी में, और ये गुप्त काल में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा चलाया गया था गुप्त संवत। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। और भी इससे रिलेटेड है, जैसे विक्रम संवत कब चलाया गया था? ये 57 BC में चलाया गया था, 57 BC में विक्रम संवत। और ये जो विक्रम संवत था, ये चंद्रमा की गति पे चलता था ये। और थर्ड कौन सा था? शक संवत, जो आज के जो कैलेंडर है ना, तो शक संवत पे आधारित है। ये कब चलाया गया था ये? और ये शक संवत 78 AD। किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा।
एक किसके द्वारा चलाया गया था? कनिक्स, पक संबत कनिक्स। कनिष्क के द्वारा। 21 हो जाएगा, ही यून सांग भारत कब आया था? ये 629-645 ईस्वी में। 22 कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम बंद की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। 23 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? किसमें? सूरत में। 24 जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने की थी, 1569 में की थी, किसके किस राजपूत के द्वारा? राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। 25 दर्शन शब्द निम्न में से कहां से लिया गया? प्राचीन यूनानी से। इसको भी याद रखिएगा, प्राचीन यूनानी से। 26 किस दर्शन की खोज मखाली गोशाला द्वारा की गई? अजीव दर्शन। 27 भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? कितने हैं? 28 कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? जैन धर्म का मंत्र क्या है? सभी पापी कृत जीवन भर के लिए त्यागना, ठीक है। 29 बौद्ध धर्म में शिक्षक दीक्षा का समारोह कहाँ होता है? दीक्षा का समारोह बीजा। 30 जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण स्वैच्छिक। कौन से भारतीय दर्शन के दो डिवीजन स्कूल रहे हैं? रूढ़िवादी और विधर्मिक। कौन सा दर्शन व्यक्तिगत को बढ़ावा देता है? जैन धर्म के दर्शन। 33 कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? मथुरा काल विद्यालय। 34 तैमूर के आक्रमण के समय कहां की मुस्लिम स्त्रियों ने जोहर किया था? 34 तैमूर के आक्रमण के समय कहां की मुस्लिम तैमूर के आक्रमण के समय कहां की मुसलमान स्त्रियों ने जोहर किया था? भटनीर। 35 चंगेज खान का जीवनीकार कौन था? जुबैनी। 36 वर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। जियोग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के। पहला कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है? यह है नेपच्यून। सेकंड हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी, जो आपने पढ़ा होगा, बिग बैंग सिद्धांत। फोर्थ है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। फिफ्थ पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। 7 वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। 8 सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। ब्लैक होल्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा। 10 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरोगी। 11 पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। 14 तारों के टिमटिम होने का क्या रीजन है? तारों के टिमटिम होने का रीजन, हमारे वायुमंडली में अलग अलग लेयर हैं, जैसे प्रकाश अलग अलग लेयर से गुजरती है तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होने के कारण कि अपने मार्ग से विचलित होना ही तारों का टिमटिमाना है, इसका रीजन है वर्तन। अपवर्तन।
अपवर्तन के लगा कमेंट करके जरूर बताएं बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।